तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाले कि कैसे हम लोगों को ऑयल के साथ मिक्स करना है और अपने स्कैल्प पे इसको लगाना है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के साइड इफेक्ट्स हैं। तो सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोना शो यू बेनिफिट्स ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल फॉर हेयर। लाइक बहुत से लोग जो हैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं हेयर केयर के लिए, तो क्या ये सच में इफेक्टिव है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल या नहीं, तो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल को डायरेक्ट स्कैल्प पे लगा के मसाज नहीं करना है, वी नीड टू ऐड सम अदर ऑयल लाइक अदर कैरियर ऑयल। चाहे तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करूँ बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट ऑयल। तो अब हमें करना क्या है, वी नीड टू ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और थोड़ा सा हमें डालना है कोकोनट ऑयल। वी नीड टू मिक्स दैट और उसके बाद हम इसको मिक्स करके अपने स्कैल्प पर मसाज करते हुए लगाना है। और जब मसाज हम लोग करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें वो अपना जो लास्ट मैंने अब बताया था कि मसाज करने का तरीका कैसे है, तो हमें अपने बालों को नीचे की ओर ले जाके अच्छे से पूरे फॉर में मसाज करना है ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो और जो हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो कंट्रोल हों। लेट्स स्टार्ट अबाउट इट्स फ्रेगरेंस। तो इसकी जो खुशबू है थोड़ी अरोमेटिक है, थोड़ी सी यू नो धीमी धीमी खुशबू और हाई लेवल पे जाती हूँ। इट हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स टू यू नो प्रमोट हेयर ग्रोथ एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल हेयर फॉल। ऑल्सो लेवेंडर हेल्प्स फ्रॉम लीक, लाइक जिन लोगों को सर में जुएँ हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं, तो हेल्प करता है उनको निकालने में, उनको रिमूव करने में। फेस कर रहे हैं लीक प्रॉब्लम्स तो आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि किसी करियर ऑयल के साथ या तो कोकोनट ऑयल, जुबा ऑयल, किसी भी ज़्यादा उसको मिक्स करके लगा सकते हैं। तो लगाने का तरीका अगेन जैसे हम बाकी ऑयल यूज़ करते हैं वही सेम प्रोसेस हमें इसमें फॉलो करना है। या तो आप इसको ओवरनाइट छोड़ सकते हैं लगाने के बाद, या फिर आप कोई 30-20 मिनट्स के बाद इसको रिंस आउट कर सकते हैं, हेयर वॉश कर सकते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें डायरेक्ट स्कैल्प पर इसको नहीं लगाना है, हमें किसी और ऑयल के साथ इसको मिक्स करके लगाना है। बहुत से लोगों को हेयर ऑयल से जो सूट नहीं होते हैं, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या फिर वो जुजुबा ऑयल हो, सो दे कैन ट्राई हेयर मास्क। तो वो लोग लेवेंडर हेयर मास्क ट्राई कर सकते हैं पर वीक। और अगर मैं बात करूँ डिफरेंस की, तो हाँ वो 2-3 हफ्ते बाद ही अपने बालों में डिफरेंस जो है वो देख लेंगे। जो आपके बाल पहले झड़ते थे या स्कैल्प इची था या स्कैल्प हेल्दी नहीं लगता था, तो वो आप 2-3 हफ्ते बाद ही आपको रिजल्ट दिखना जो है उसका लग जाएगा। हेयर फॉल आपका हो रहा है तो ट्राई टू कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो ठीक है, वो DIYs के थ्रू या फिर थोड़े बहुत मेडिसिन के थ्रू और डाइट चेंज करने के बाद ठीक हो जाता है। बट बहुत ज़्यादा अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि वो कोई बीमारी भी हो सकती है या हमें नहीं पता होता कि क्या एक्चुअल में हो रहा है किसी बंदे के साथ। तो अगर आप ज़्यादा हेयर फॉल आप लोगों को हो रहा है तो आपको बिल्कुल बताने वाली थी, ठीक है। तो मैं आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाती हूँ। एंड हाँ, क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स अगर की मैं बात करूँ तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं, पर वो कैसे होंगे कि अगर हम डायरेक्ट ऑयल अपने स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं, तो अगर हम उसमें करियर ऑयल नहीं मिक्स करते तो हाँ उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल होता है और डायरेक्ट अगर आप स्कैल्प पे इसको लगाएंगे तो आपका स्कैल्प इची हो सकता है। तो ट्राई अगेन, ट्राई कीजिए कि आप उसको किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके अपने स्कैल्प और अपने हेयर लेंथ पर लगाएँ। एंड ट्राई कीजिए कि आपके प्रोडक्ट जो है वो सर से अलावा कहीं ना लगे, लाइक आइज़ में प्रोडक्ट ना चले जाए या कान में प्रोडक्ट ना चला जाए। तो इतना ज़्यादा भर भर के हमें ऑयल नहीं करना है, क्योंकि अगर भर भर के ऑयल करेंगे तो अगेन भर भर के हमें शैम्पू करना पड़ेगा, तो नेचुरल जो हमारा ऑयल है, हेयर ऑयल है जो बालों में आता है, वो निकल जाएगा, तो अगेन फिर वो बाल ड्राई होने लग जाएंगे, स्कैल्प ड्राई हो जाएगा। तो हमें वैसा भी नहीं करना है, जितनी रिक्वायरमेंट है ऑयल की उतना ही ऑयल हम लोगों को अप्लाई करना है। और कितने टाइम तक इसको छोड़ना है, तो मैंने इसको छोड़ा है ओवरनाइट, तो मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग जो इसको वॉश किया है और मैंने रिंस किया है इसको एप्पल साइडर विनेगर के साथ। अब उसके साथ कैसे रिंस करते हैं और मेरा हेयर वॉश वीडियो क्या कैसे है, तो अगर आपको वो चेक करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं हाउ आई वॉश माई हेयर। आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।